हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे पास है दो अल्ट्रासाउंड, यानी ये एक ही महिला की है, यानी कि आप मेरी फ्रेंड्स यानी मेरी छोटी सिस्टर ही समझ लीजिए, उसकी अल्ट्रासाउंड है। अब आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखा होता है बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो देखिए, कहीं भी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। आपको कुछ ऐसे साइन है, सिंग्स हैं, जिनको पहचान कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप बेबी बॉय कंसीव करने वाले हैं। इससे पहले मैं मेरी और एक और की हमने अल्ट्रासाउंड यानी मेरी देवरानी की बनाई थी, जिसमें हमने पूरा कंफर्म हो गया था कि हम दोनों को बिल्कुल, जो प्लेसेंटा था वो एंटेरियर था और जो हार्ट बीट थी वो भी बड़ी हुई थी, तो हम दोनों को बेबी बॉय कंसीव हुआ है। आज ही हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड आई है, जिसमें हम इसकी भी अल्ट्रासाउंड देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आप बेबी गर्ल या बेबी बॉय को कंसीव करने पाए वाले हैं। हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं, उसमें बेबी के हार्ट बीट के बारे में रहता, इतनी ही हमने 5 मंथ में करवाया है या जो दूसरे सेकेंड थर्ड या फोर्थ मंथ में करवाया है। तो देखिए, 1st मंथ से 3rd मंथ के बीच आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें बेबी की, लड़का हो या लड़की हो, बेबी की हार्ट बीट में कोई अंतर नहीं आता है, वो सेम ही रहती है। उसके बाद आप 3rd मंथ के बाद करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में जो बेबी की हार्ट बीट है वो अलग आती है। और एक बात ये भी डिपेंड करती है कि बेबी की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। बेबी बहुत ज़्यादा मूव, अगर आप बहुत से ज़्यादा अच्छी डाइट लेते हैं, आपका लगातार वेट बढ़ रहा है, तो बेबी भी उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एक बात, अब हम कुछ इसमें भी ऐसे साइन यानी चिन्ह हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं या बेबी गर्ल को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी, वीडियो एक अनुमान लगाने के लिए है, आप अनुमान लगा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है बेबी की हार्ट बीट, यानी बेबी कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो ये है 3rd मंथ की, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। अब YouTube पर या Google पर आप जैसे ही सर्च करते हैं कि लड़के की या लड़की की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है, तो 140 बताया जाता है लड़की की है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर आपके 140 से ज़्यादा जाती है तो बेबी बॉय भी हो सकता है। जैसे मुझे मेरे बेबी बॉय के समय थी 145 हार्ट बीट, फिर हमने एक और यानी मेरी देवरानी की जो हार्ट बीट की अल्ट्रासाउंड बनाई थी उसमें देखा था कि उसकी भी यानी 148 यानी कि उसके 148 थी, हम दोनों को बेबी बॉय कंसीव हुआ है। और हमारे बेबी बॉय में कोई ज्यादा अंतर भी नहीं है, 1.5 माह का ही अंतर है। तो आप देख सकते हैं 158 बीपीएम यानी 158। अब ये तो हो गई हार्ट बीट की, अब सेकेंड सिम्टम्स क्या है यानी जो चिन्ह है। अब हमसे कमेंट्स में पूछा था प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, तो प्लस प्लस का हम तीनों के अल्ट्रासाउंड में तो बेबी बॉय से ही कनेक्ट हुआ है, क्योंकि हम तीनों के अल्ट्रासाउंड में जो प्लस का चिन्ह था नीचे से ऊपर की तरफ बनता था, तो हम तीनों को ही बेबी बॉय हुआ है, इसको भी बेबी बॉय हुआ है। अब यहाँ भी आप देखेंगे FHR है 150 BPM। अब इसमें प्लेसेंटा एंटेरियर है या पोस्टेरियर है वो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मली हुई थी, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अब जहाँ हम दोनों की बात करते हैं, मेरी और मेरी देवरानी की, तो हमारी थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, यानी कि बेबी बहुत ज़्यादा नीचे था और मेरे बेबी की तो हार्ट बीट ही नहीं सुनाई देती थी। तब मुझे जो टारगेट स्कैन है यानी कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड का सजेशन किया था, तब मैंने की थी, तो उसमें तो पूरी डिटेल्स आती है, बेबी का फेस, बेबी का चेहरा, बेबी की निक, ये सभी। तो ये वाली आपने 3rd मंथ की देख ली है अल्ट्रासाउंड। अब हम बात करेंगे इसकी, इसने 8 मंथ पूरा होने के बाद 15 मिनट्स यानी 8.5 माह में ये करवाई थी। अब आप 158 वहाँ पर हार्ट बीट है। अब यहाँ हम देखते हैं बेबी की जो हार्ट बीट है वो कितनी होनी चाहिए। ये बेबी की हार्ट बीट या आप देखेंगे बेबी की हार्ट बीट यहाँ दी है 142.86 BPM, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड में सेकेंड अल्ट्रासाउंड 8.5 माह था, तो पहले तो 158 थी यानी 140 से ही ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी बार भी करवाई तो 142 के आसपास ही आई है, ऊपर आई है, तो उसको बेबी बॉय कंसीव हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय है तो वो बहुत ज़्यादा, उनको मेटाबॉलिक की ज़रूरत रहती है ज़्यादा विकसित होने के लिए और ज़्यादा उनको सक्रिय होने के लिए आवश्यकता रहती है। तो जो जैसी प्रेगनेंसी कंसीव की है अगर बेबी बॉय है, तो कुछ आपके शरीर में बेबी बॉय जैसे हार्मोनल चेंज हो सकते हैं। इसके साथ ही
नब लिंग देखते हैं, जो ये यहाँ भी प्लस प्लस बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारे अल्ट्रासाउंड में भी सेम ही था, यहाँ पर प्लस प्लस बना हुआ है। और जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या अभी तक आपने करवाया नहीं है, जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो आप अच्छे से जो बेबी की स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो जो चलती हैं तस्वीर, उनको ध्यान से देखिए। और पैरों के बीच में आप देख सकते हैं जहाँ नब लिंग बनता है, अगर आपको कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं हमारे पास कमेंट्स में। अगर ये आपकी 140 से ज़्यादा है तो हो सकता है आपको बेबी बॉय भी हो, ज़रूरी नहीं है कि 140 से कम है तो आपको बेबी बॉय ही होगा, 140 से ज़्यादा है तब भी आपको बेबी बॉय हो सकता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ कमेंट क्वेश्चन है, कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।